देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कल्याण से, जहां भोंदू बाबाओं द्वारा लोगों को पागल बनाया जा रहा है। आपके पति का बाहर अवैध संबंध है, सास ससुर की आपस में नहीं बनती, तुम्हें घर वालों से कोई परेशानी है। इसी तरह सामान्य लोगों को बहला फुसला कर महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले भोंदू बाबा को खड़कपाड़ा पुलिसों ने गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। चंद्रेश नरसी पीरिंद्र भोंदू बाबा का नाम है और ये डोबीवली में रहता है। भोंदू बाबा का गोरख धंधा कुछ दिनों से कल्याण पश्चिम कोतवाली की एक इमारत में लगातार चल रहा था। मोना में रहने वाली एक महिला अपनी चचेरी बहन के साथ पतपेड़ी के संदर्भ में गई हुई थी। उस समय इस भोंदू बाबा ने कहा कि आपको चुड़ैल ने पकड़ा है, मैं उसे दूर कर दूंगा। आपके पति के बाहर अवैध संबंध भी हैं, आपके घर के लोगों से आप पीड़ित हैं और परेशान हैं। ये कहते हुए सिगरेट का धुआं महिला के चेहरे पर छोड़ा और सेंट लगाने के बहाने महिला के शरीर पर हाथ लगाने लगा और वहीं पूजा के लिए 25,000 रुपए भी मांगे। भोंदू बाबा ने पीड़ित को कहा कि इस बारे में किसी को बताया तो तंत्र मंत्र से नुकसान पहुंचेगा। इसके बावजूद महिला ने इस बारे में खड़कपाड़ा पुलिस थाने में शिकायत कर दी। शिकायत के आधार पर खड़कपाड़ा पुलिस कोतवाली क्षेत्र का निरीक्षण, उस स्थानों पर सामग्री बर्तन दीपक आदि का निरीक्षण किया गया है। साथ ही कुछ नागरिक अपनी पारिवारिक समस्याओं को लेकर बाबा के पास भी आए हुए थे। इस दौरान खड़कपाड़ा पुलिस ने बाबा को कब्जे में ले लिया है और पुलिस उपायुक्त पानसरे ने लोगों से अपील की है कि इस तरह के झूठे भोंदू बाबाओं पर विश्वास कतई नहीं करें और उनसे सख्त दूर रहे, इस तरह की पुलिस ने हिदायत दी है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़, हमेशा सच के साथ।